जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है हिंदी साहित्य की, तो सभी लोग आ जाइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर उपन्यास विधा से संबंधित। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर किसने किया। ये आपके लिए चयन करना है क्वेश्चन नंबर 193 का सही राइट आंसर। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा ग्रीस रस्तोगी, कुसुम कुमार या फिर शोभना भूटानी या शांति मेहरोत्रा। तो विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा ग्रीस रस्तोगी, सही राइट आंसर है। सोनू जी, अंजू जी, पूजा जी बिल्कुल सही, श्वेता जी विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा ग्रीस रस्तोगी जो है आपका सही राइट आंसर है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नामक जो है शीर्षक से इसकी जो है नाट्य रूपांतरण किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 194 पूछा गया है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है। बताइए ठेठ हिंदी में पूछा है, चयन करना है। चार विकल्प है, निराला है, प्रेमचंद्र, प्रसाद या फिर हरिओद। 194 का सही राइट आंसर चयन करना है और 194 का सही राइट आंसर है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है। तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा सोनाक्षी जी, विकल्प नंबर ए यहाँ पर डी राइट आंसर होगा हरिओद। हरिओद आपका सही राइट आंसर है। ये जो है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले माने जाते हैं अयोध्या उपाध्याय हरिओद, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अधिकला फूल हरिओद जी के ठेठ हिंदी के ठाट ये जो है ठेठ हिंदी के उपन्यास माने जाते हैं। अधिकला फूल और ठेठ हिंदी का ठाट, ये ठेठ हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं हरिओद जी के। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 195 दिया गया है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 95 का क्वेश्चन है यहाँ पर, तरुण तपस्विनी ये तो है, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल ये भी है। अगला विकल्प यहाँ पर दिया गया राजकुमारी या फिर भोजपुर का ठग, इनमें से आपको चयन करना है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही राइट आंसर, डी राइट आंसर लगा दें, डी यानी कि भोजपुर का ठग। भोजपुर का ठग ये उपन्यास नहीं माना जाता है किशोरीलाल गोस्वामी का, बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास तिलिस्मी, शीशमहल, सुल्ताना और रजिया बेगम, सुल्ताना रजिया बेगम और रंग महल में हलाहल, लीलावती और आदर्श सती, अंगूठी का नगीना, जिंदे की लाश, मस्तानी, त्रिवेणी आदि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया 196 वा क्वेश्चन, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। यह अधूरा उपन्यास माना जाता है, किनका माना जाता है ये चयन करना है। अंश जी चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 196 है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम चयन कीजिएगा। मोहन राकेश है, प्रेमचंद है, शैलेश मटियानी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो प्रेमचंद जी का एक अधूरा उपन्यास माना जाता है जिसका नाम मंगल सूत्र है। मंगल सूत्र अधूरा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, बिल्कुल सही राइट आंसर है। इन्होंने प्रमुख उपन्यास जो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, रंगभूमि, निर्मला गोदान, इनके महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लगभग 300 कहानियां जो है मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। पूछा जाता है प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं, 300। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है, क्या नाम है बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका पूछा गया है 197 का सही राइट आंसर बताना है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या माना जाता है। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि इरावती। इरावती आपका सही राइट आंसर होगा, अधूरा उपन्यास माना जाता है प्रसाद जी का।
बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, एरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल तितली, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। प्रसाद हिंदी साहित्य में अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है बताइए, गोदान, परती परिकथा, बलचनमा या फिर मेला आंचल। हीना जी क्या होगा सही राइट आंसर, चयन करना है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं। पार्वती जी, बामन दास जो है ये किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 का सही राइट आंसर होगा, ये माने जाते हैं मेला आंचल के पात्र, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो चार है डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, मेला आंचल सही आंसर लगाते हैं सभी लोग, बिल्कुल सही राइट आंसर है। मेला आंचल का पात्र माने जाते हैं बामन दास, एक आंचलिक रचनाकार उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना या उपन्यास माना जाता है। मेला आंचल जो कि 1954 में हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। परती परिकथा, पलटू बाबू रोड और दीर्घतापा और जुलूस, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं आंचलिक उपन्यासकार रेणु जी के। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है बताइए, नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल या फिर पुनर्नवा। मोहित जी क्या होगा सही राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 199 पूछा गया है और राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिए, यानी कि आधा गांव कैसा है, मासूम है, तो राही मासूम रजा जी का ये उपन्यास माना जाता है आधा गांव, विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर बी, यहां पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। टोपी शुक्ला, उसकी बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं राही मासूम रजा जी के। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है, किस विधा की रचना मानी जाती है, ये उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या फिर एकांकी है, सारी जीवनी है बताइए। बाणभट्ट की आत्मकथा बताना है, किस विधा की रचना मानी जाती है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर यहां पर 200 में डी राइट आंसर है, यानी कि उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है, उपन्यास माना जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास माना जाता है, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यहां पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 201 यहां पर दिया गया है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है, सारा आकाश है या फिर आपका बंटी है, मुर्दा सराय है या फिर एक इंच मुस्कान है बताइए, चयन कीजिएगा इनमें से क्या होगा सही राइट आंसर। राही मास यहाँ पर बताने राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से एक उपन्यास लिखा गया था, कौन सा उपन्यास था, तो आप सभी का 201 में सही राइट आंसर होगा, वह उपन्यास था कौन सा, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। इसके अतिरिक्त इन दोनों की अन्य उपन्यास एक गैलम आंसू और उखड़े हुए लोग, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा, 202 का क्वेश्चन पूछा, महाबोध उपन्यास की लेखिका बताना है, सरल क्वेश्चन पूछा गया है बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, महाबोध उपन्यास की लेखिका कौन है, ममता कालिया, कृष्णा सुबती, मन्नू भंडारी या फिर एहसानी, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि मन्नू भंडारी जी का ये जो है एक उपन्यास माना जाता है महाभोज, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है महाभोज लगा दे मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही। आपका बंटी जो है महाभोज और आपका बंटी ये प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं, जबकि यहाँ पर मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के जिंदगी नामा और दिलो दानिस, समय सरगम, ये कृष्णा सुबती जी के उपन्यास माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कट गुलाब किसकी रचना मानी जाती है, चयन कीजिएगा, मैत्री पुष्पा या फिर चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग या फिर अलका सरावगी बताइए, सरोज रावल जी क्या होगा सही राइट आंसर, एक
कठ गुलाब किसकी रचना मानी जाती है ये आपको बताना है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। ये रचना तो मानी जाती है किनकी, मृदुला गर्ग जी की। मृदुला गर्ग आपका यहाँ पर सही राइट आंसर लगा देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। मृदुला गर्ग आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, जबकि मैत्री पुष्पा का प्रमुख उपन्यास चौक है, चित्रा मुद्गल का आंबा और अलका सरावगी का कलिकथा वाया बाईपास ये समकालीन हिंदी उपन्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 204वां क्वेश्चन दिया गया है कि मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, बताइए। मेला आंचल बताना, ये राजनीतिक है, आदर्शवादी है, आंचलिक है या फिर ऐतिहासिक है, तो सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। अभी पढ़ा था अपन ने मेला आंचल, अंजू जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 204वां क्वेश्चन है, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये आंचलिक उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर आपका सी जो है सही राइट आंसर होगा। परसुनाथ रेणु जी का ये उपन्यास माना जाता है, जुलूस भी इन्हीं का है, दीर्घ तपा कितने चौराहे, कलंक मुक्ति भी इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं रेणु जी के। एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं परसुनाथ रेणु जी। और 200 क्वेश्चन नंबर 205 पूछा गया है, मानस का हंस इसके उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। मानस का हंस उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर, यशपाल रेणु या फिर अज्ञे। चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है और 5 का सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, एक सही आंसर है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी का ये उपन्यास माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है मानस का हंस। इसमें तुलसी की कथा का निरूपण किया है और अमृत और विष, महाकाल, शतरंज की मोहरें, खंजन नयन और एक द नियमी सरंडे ये इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं, किनकी, अमृतलाल नागर जी की। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, सरल क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। रतिपाल जी चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 206 है, झूठा सच उपन्यास के लेखक बताना है कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 206 में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, ये यशपाल जी का उपन्यास माना जाता है झूठा सच। किनका माना जाता है, यशपाल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 207वां क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद्र या फिर यशपाल, बताइए। अनिल जी क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 207 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक आपको चयन करना है और आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, सी राइट आंसर आ रहा है, यानी कि प्रतिज्ञा प्रेम से लो, प्रतिज्ञा प्रेम से लो, तो प्रेमचंद जी का ये उपन्यास माना जाता है कौन सा, प्रतिज्ञा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी यहाँ पर सभी लोगों ने जो है यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर चौक उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है, अब भी पढ़ा था अपन ने, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, मैत्री पुष्पा है या फिर मृदुला गर्ग है, ममता कालिया है या फिर मन्नू भंडारी है, चयन कीजिए। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 208 में, विकल्प नंबर एक सही आंसर आ रहा है, यानी कि मैत्री पुष्पा, मैत्री पुष्पा सही आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही, उन्हीं का उपन्यास माना जाता है चौक उपन्यास, जो कि कई बार पूछा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। कट गुलाब और अनित्य वंशज उनके हिस्से की धूप, चित कोबरा आदि उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। महाबोज और आपका मंटी मन्नू भंडारी जी का है। बेघर ममता कालिया का उपन्यास माना जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है, बताइए, खंजन नयन, मृग नयनी, आपका बंटी या फिर कली कथा वाया बाईपास, बताइए राबिता जी क्या होगा सही राइट आंसर।
यहाँ पर आपको बताना है कि वह उपन्यास कौन सा है जो जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 209 में। विकल्प नंबर क्या होगा सही राइट आंसर, एक सही राइट आंसर है यानी कि खंजन नयन। खंजन नयन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। खंजन नयन जीवनी परक उपन्यास माना जाता है, अमृतलाल नांगर के द्वारा सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। और तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास पूछा जाए तो मानस का हंस, ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 210 यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है। काशी से नहीं है, काशी काशी गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया या फिर अलग अलग बैतरणी, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और वह कौन सी कथाकृति मानी जाती है जिसका संबंध काशी से नहीं है, तो अलग अलग बैतरणी आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित काशी का अस्थि और शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित गली आगे मुड़ती है और अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखित झीनी झीनी बीनी चदरिया, इनका संबंध जो है काशी से है। जबकि जो शिवप्रसाद सिंह का ये जो है शिवप्रसाद सिंह का आंचलिक उपन्यास अलग अलग बैतरणी काशी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 211 यहाँ पर दिया गया है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है, बताइए। 11 का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का मूल आधार है। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, गोदान यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। गोदान जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 212 क्या दिया गया है, देखिए। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, निशा गौतम जी बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। परीक्षा गुरु को पूछा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने या मिस्टर बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो परीक्षा गुरु को हिंदी का जो है प्रथम उपन्यास जो है स्वीकार किया है वह रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है परीक्षा गुरु को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सूची एक का सूची दो से सम्मिलन करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं आपके, ये आपके यहाँ पर कोड दिए गए हैं। मानस का हंस के कौन हो जाएंगे, अमृतलाल नांगर हो जाएंगे। झूठा सच ये उपन्यास किनका माना जाता है, बताइए। झूठा सच माना जाता है किनका, यशपाल जी का। टेढ़े मेढ़े रास्ते के कौन हो जाएंगे, भगवती चरण वर्मा और मरी हुई मछली, ये राजकमल चौधरी जी का उपन्यास माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कोड में आपका विकल्प नंबर सी, यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 214 यहाँ पर दिया गया है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है, बताइए। अब भी पढ़ा था अपन ने इस क्वेश्चन को, डबल हो गया ये क्वेश्चन, क्या होगा सही आंसर रामेंद्र जी। सारा आकाश आपका बंटी, एक इंच मुस्कान या फिर मुर्दा सराय, राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से एक उपन्यास की रचना की थी, वह उपन्यास आपके लिए बताना है और वह उपन्यास माना जाता है एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। बयां का घोंसला इसके उपन्यास के लेखक बताना, धर्मवीर भारती हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं या फिर फणीश्वरनाथ रेणु हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 215 पूछा गया है और लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 215 का सही आंसर होगा ये माना जाता है लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास भया का घोंसला। भया का घोंसला ये लाल जी का, लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है काले फूल का पौधा और बड़ी चंपा छोटी चंपा इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सूची एक को सूची दो से यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर होगा? लालटेन की छत, ये तो सही है, निर्मल वर्मा जी का है। आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी जी का है, बिल्कुल सही है। जुगलबंदी, ये जुगलबंदी जो है ये माना जाता है किनका? ये माना जाता है गिरिराज किशोर जी का। और 55 खंभे लाल दीवारें ऊषा प्रेमवदा, इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कोड में आपका विकल्प नंबर एक जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 217वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारी हुस्न का हिंदी रूपांतरण बताना है, क्या होगा? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि? 217 में चयन कीजिएगा सही आंसर क्या होगा, बताइए। प्रेमचंद जी द्वारा ये रचित है, उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है, कौन सा बाजारी हुस्न, इसका हिंदी रूपांतरण पूछा है श्वेता जी, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, सेवा सदन। सेवा सदन आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है सही आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 218वां क्वेश्चन दिया गया है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। काला जल उपन्यास के लेखक आपके लिए बताना है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है और 18 का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर सोनू जी, कुमार सौरभ जी, क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, काला जल उपन्यास तो माना जाता है किनका? जिया जी, ये माना जाता है सानी जी का। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, काला जल उपन्यास के लेखक सानी है। इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए गुलशेर खां सानी इनका पूरा नाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक पति के नोट से कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। एक पति के नोट से गिरिराज किशोर हैं, महेंद्र भल्ला हैं, गोविंद्र मिश्र हैं या फिर राजीव सेठ हैं, चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। अनीता ठाकुर जी, तो सही राइट आंसर है, एक पति के नोट से कहानी के लेखक माने जाते हैं महेंद्र भल्ला। कौन माने जाते हैं? महेंद्र भल्ला, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। महेंद्र भल्ला द्वारा ये लिखा गया एक कहानी है एक पति के नोट से। और आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा, ये तो सबसे बन जाएगा सरल क्वेश्चन पूछा गया है, आपका बंटी मन्नू भंडारी या फिर निरुपमा सेवती शिवानी या फिर राजी सेठ, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है, तो ये लिखा है किसने, शिवानी ने, यानी कि विकल्प नंबर आपका एक जो है सही राइट आंसर होगा, शिवानी जिन्होंने चयन किया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर मन्नू भंडारी है आपका सही राइट आंसर, मन्नू भंडारी आपका सही आंसर, आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी जी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 221 पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है, बताइए। वह पुस्तक आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। हाँ वो वहाँ पर गलत हो गया था, सॉरी, वो मन्नू भंडारी जी का माना जाता है आपका बंटी। तो क्वेश्चन नंबर 221 का सही आंसर है, निम्नलिखित रचना में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है, तमस है, आधा गांव है, कितने पाकिस्तान है या राग दरबारी है।
तो आप सभी का सही राइट आंसर है। यहाँ पर सभी लोग राग दरबारी बता रहे हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। राग दरबारी में सही आंसर लगा देते हैं। देखिए, तमस आधा गांव कितने पाकिस्तान रचनाओं का विषय, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान वादन से संबंधित है, जबकि जो राग दरबारी इसका विषय संबंधित जो पाकिस्तान भारत पाकिस्तान वादन से संबंधित नहीं है। राग दरबारी के लेखक कमले जो है श्री लाल शुक्ल जी माने जाते हैं। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास से तमस जो है भीष्म सायनी और आधा गांव कैसा है, राही मासूम रजा, मासूम है आधा गांव, तो राही मासूम रजा जी का उपन्यास माना जाता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास की रचना किसने की है, तो आपके लिए ये बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 222 का सही आंसर चयन करना है, गिरिराज किशोर की है, काशीनाथ सेन जी की रचना है, अरुण कमल या फिर विनोद कुमार शुक्ल, चयन करना है क्या होगा सही आंसर। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 222 में विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 223, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, बताइए, गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है या फिर सेवा सदन है। 223 में चयन कीजिएगा सही राइट आंसर क्या होगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है ममता जी, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर सी होगा सही आंसर राधिका जी, बिल्कुल सही, रंगभूमि, रंगभूमि आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने सी चयन किया है, प्रेमचंद द्वारा रंगभूमि 1924 में जो लिखा गया था, बनारस से लेकर राजस्थान की तक की कथा इसमें व्याप्त है, इसका प्रमुख पात्र माना जाता है सूरदास, सूरदास इसका प्रमुख पात्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, बताइए। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक प्रवीण जी पूछा गया है यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, नागार्जुन है, शिव पूजन सहाय है या फणेश्वरनाथ रेणु है या फिर शिव प्रसाद मिश्र हैं, बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, आंचलिक उपन्यासों का पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फणेश्वरनाथ रेणु जी माने जाते हैं आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक, यानी कि विकल्प नंबर आपका क्या है राइट आंसर सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर मेला आंचल परिकथा दीर्घता पा जुलूस कितने चौराहे पलटू बाबू रोड राम रतन राय इनका एक अपूर्ण उपन्यास माना जाता है, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 225 यहाँ पर दिया गया है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है, मैत्री पुष्पा है, मृदुला गर्ग है, महुआ मांझी है या फिर निर्मला भूराड़िया है, बताइए। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है, चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, युक्ति जी, अरुण जी, छवि जी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 25 में राइट आंसर होगा निर्मला भूराड़िया, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है, निर्मला भूराड़िया जी इसकी जो है लेखिका मानी जाती है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भूराड़िया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन मानी जाती है, बताइए, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र मानी जाती है चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू या फिर चमेली बहू, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, लवली जी क्या होगा राइट आंसर, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन मानी जाती है, तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, बेला बहू, कौन मानी जाती है, बेला बहू आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। मैत्री पुष्पा द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है फरिश्ते निकले, इस उपन्यास की दो मुख्य पात्र मानी जाती है बेला बहू और उजाला, और इसके अन्य पात्र लिली और बसंती भी इसके अन्य पात्र माने जाते हैं।
उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या फिर रंग निर्देश, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है तो नहीं बताना है आपके लिए, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि रंग निर्देश। रंग निर्देश जो है उपन्यास के तत्वों में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, रंग निर्देश जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। देखिए उपन्यास के प्रमुख तत्वों की बात करें, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य और शैली। जबकि उपर्युक्त शैली में कथोपकथन, देश काल, कथा विकास और चरित्र चित्रण के द्वारा लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है। जबकि जो रंग निर्देश है ये उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है आपसे, पूछा गया है कि देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, बताइए। चयन करना है क्वेश्चन नंबर 28 का सही राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने, बताइए। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है इसको किसने? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। किन्होंने माना है? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल सही राइट आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। इस उपन्यास की रचना 19वीं सदी के आखिरी में हुई थी। यह उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था और कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए कई लोगों ने देवनागरी सीखी थी। यह तिलस्य और यारी पर आधारित है और इसका नाम नायक के नाम पर रखा गया है, तो चंद्रकांता बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 क्या पूछा गया है, किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं, बताइए। रिंकी जी, संस्कृत, तमिल, गुजराती या फिर मराठी। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 29 का आपका सही राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? संस्कृत में, तमिल में, गुजराती में, मराठी में, तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि मराठी सही राइट आंसर लगा दीजिए। मराठी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं, गुजराती में नवल कथा कहते हैं और बंगला में नोवेल कहते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं बताना है श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, आचार्य आश्चर्य वृतांत अंबिका दत्त व्यास, सौ अजान एक सुजान देवदत्त या फिर विधवा विपत्ति राधा चरण गोस्वामी, बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। 30वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह सम्मिलित नहीं है, यानी कि सौ अजान एक सुजान, ये जो है देवदत्त जी का नहीं माना जाता है, ये रचना ये मानी जाती है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना मानी जाती है, सौ अजान एक सुजान, बिल्कुल सही आंसर है और सभी आपके सम्मिलित हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास बताना है कौन सा माना जाता है, बताइए। हिंदी का पूछा है झांसी की रानी है, नूरजहां है या फिर हृदय हारणी है या सम्राट अशोक है, बताइए। निशा गौतम जी, क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है कौन सा? हृदय हारणी, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी जो है सही राइट आंसर होगा। सुनीता जी, बिल्कुल सही, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है हृदय हारणी, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सभी लोगों ने जो है सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास माना जाता है, चौगाने हस्ती का आपके लिए हिंदी रूपांतरण बताना है क्या माना जाता है? गबन, मंगलसूत्र, गोदान या फिर रंगभूमि, बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का 32 में सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी लगा दीजिए, सही आंसर डी यानी कि रंगभूमि। रंगभूमि आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। चौगाने हस्ती प्रेमचंद जी का उपन्यास है, उर्दू उपन्यास, इसका हिंदी रूपांतरण माना जाता है रंगभूमि। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ उर्दू उपन्यास है जिनका हिंदी में रूपांतरण किया गया है।
तो देखिए असरारे मयाबेद इसका हिंदी रूपांतरण है देव स्थान रहस्य, और हम खुरमा और हम सबाब इसका जो हिंदी रूपांतरण है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है। कृष्णा का हिंदी रूपांतरण गबन है। जलवाय ईशार का हिंदी रूपांतरण वरदान है। बाजारी होसन का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन है। और यहाँ पर गोसाए आफियत इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमाश्रम है। और चौगाने हस्ती ये तो इसका हिंदी रूपांतरण क्या माना जाता है, रंगभूमि। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 क्या पूछा गया है, 33वां क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है, इरावती है, कंकाल है, तितली है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, बताइए। 223 में आपको चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए पिंटू जी क्या होगा सही आंसर। तो इनमें से वह उपन्यास बताना है, तो वह उपन्यास कौन सा है, कंकाल आपका सही राइट आंसर है। कंकाल उपन्यास आपका विकल्प नंबर सी जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 यहाँ पर दिया गया है, चंद हसीनों के खतूत ये किसकी रचना मानी जाती है, आगा हस्र कश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, या मुंशी सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 234 है आपका सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए। चंद हसीनों की खतून ये रचना बताना है किनकी मानी जाती है, स्टडी विद आदर्श जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है, ये रचना पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर यहाँ पर सी आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना मानी जाती है चंद हसीनों के खतूत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 दिया गया है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास बताना है, महिला आंचल है, प्रति परिकथा है, आधा गांव है, या फिर वरुण के बेटे है। अभी पढ़ा था अपन ने क्वेश्चन, यहाँ पर बताइए क्या होगा सही आंसर हीना जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 35 है और 35 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर, हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया, मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं उन्हीं का ये उपन्यास है। 1954 में इसका प्रकाशन हुआ, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसका कथ जो है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है इस उपन्यास में। रेणु जी के आंचलिक उपन्यासों की बात करें तो परती परिकथा है, दीर्घतपा है, जुलूस है, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राम आदि। आधा गांव तो राही मासूम रजा जी द्वारा रचित है, वरुण के बेटे नागार्जुन जी द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 यहाँ पर क्या दिया गया है देख लेते हैं, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है, बताइए, जुलूस में है, नाचो बहुत गोपाल में, मेला आंचल, या फिर परती परिकथा में, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बताना है, समान से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में दी गई है, तो वह उपन्यास कौन सा है, नाचो बहुत गोपाल, यानी कि विकल्प नंबर आपका भी यहां पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर यहां पर चयन किया है आप लोगों ने, नाचो बहुत गोपाल आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, लालटेन की छत खालिस्तान की रचना मानी जाती है, यानी कि किसकी रचना मानी जाती है, बताइए, मन्नू भंडारी, कृष्णा सुबती, ममता कालिया, या फिर निर्मल वर्मा, बताइए। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर है कि लालटेन की छत ये रचना तो मानी जाती है किनकी, ये रचना मानी जाती है निर्मल वर्मा जी की। निर्मल वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध जो है रचना मानी जाती है लालटेन की छत, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है, सहयोगी उपन्यास बताना है, महाबोझ है, उखड़े हुए लोग हैं, आपका बंटी है, या फिर एक इंच मुस्कान है, बताइए, चयन कीजिएगा सही आंसर। सहयोगी उपन्यास पूछा है आपसे, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि सहयोगी उपन्यास में तो एक इंच मुस्कान जो है सही राइट आंसर होगा,
एक इंच मुस्कान जिन्होंने चयन किया उनका सही आंसर है। ये जो है एक इंच मुस्कान जो है राजन यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ इस उपन्यास की रचना की थी, एक इंच मुस्कान। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 239वां क्वेश्चन है, कृष्णा सुब्ती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? मित्रों मरजानी, हम हस्मत, जिंदगी नामा या फिर यारों की यार, बताइए। चयन कीजिएगा सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा। चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि यहाँ पर पूछा गया है कृष्णा सुब्ती की वह कौन सी कृति है जो सांझी संस्कृति पर आधारित है, तो यहाँ पर जिंदगी नामा यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है नेताजी कहने के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। हरिशंकर परसाई हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, श्याम मनोहर जोशी हैं या फिर भैरव प्रसाद माने जाते हैं। नेताजी कहन, रामा शर्मा जी कौन माने जाते हैं इसके लेखक रचनाकार? हरिशंकर परसाई हैं, श्याम मनोहर जोशी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, भैरव प्रसाद हैं। तो सभी लोग बता रहे हैं कि नेताजी कहन के लेखक माने जाते हैं श्याम मनोहर जोशी। श्याम मनोहर जोशी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, विकल्प नंबर सी। इस प्रकार की आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे और एक रात्रि में 10 बजे इसी चैनल पर एक क्लास होती है, और एक 4 बजे आपको शाम को जो है स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य की लाइव क्लास, तो उससे भी सभी लोग जुड़ा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हिंदी साहित्य में 215 कवि और लेखकों का जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं क्रमबद्ध कवि और लेखकों का, तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं मात्र 299 रुपये में। 47 इसमें आपके लिए प्रश्न दिए जाएंगे और ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का आपके लिए ये वाला ऐप जो है डाउनलोड करना है, ऐसे आपको डाउनलोड कीजिए और इसी ऐप पर ये आपके लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। श्वेता जी, निशा जी, अनिल जी, रामेंद्र जी, रमा जी, रिंकी जी, रीमा जी, लवली ठाकुर जी, सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टडी विद आदर्श जी, हीना जी, ममता जी, बिंदु जी, रति जी, निशा जी, श्वेता जी और सोनू जी, छवि जी, सरिता जी, सुनीता जी और रीता देवी जी, रमा जी, रीमा जी, रतिपाल जी, प्रवीण जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी यादव जी और सोनाक्षी जी, श्वेता, श्वेता जी, स्टडी विद आदर्श जी, लवली जी, अनिल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, रोज इसी तरह से जो है सभी लोग जुड़ा करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। बिंदु लता जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता सरोज जी, और सभी के लिए जय हिंद।